एलिमेंट आपके कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम होता है और एक आपका पोलोनियम होता है। ठीक है, दीज फाइव एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कौन से ग्रुप पे? 16th ग्रुप पे, एंड देयर फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सीजन। सो दीज फैमिली आर कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली के फॉर्म पे भी इंडिकेट करते हैं। और जितने भी हमारे ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इन सभी को क्या बोला जाता है? चालकोजेन बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिव द नेम ऑफ चैल्कोजेंस। ठीक है, या फिर कुछ एलिमेंट का नाम दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से चैल्कोजेन कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 16th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको चैल्कोजेन बोला जाता है। ठीक, अब देखो ये सारे जो एलिमेंट है 16th ग्रुप के, कुछ ऐसे होंगे, एक भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सभी के सभी किस स्टेट में नेचर में फाउंड होते हैं? कंबाइंड स्टेट में फाउंड होते हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट में नेचर में फाउंड नहीं होते। कंबाइंड स्टेट में इस वजह से फाउंड होते हैं क्योंकि इनका रिएक्टिविटी नेचर हाई होता है, और रिएक्टिविटी नेचर हाई होने की वजह से ये अपने एटमोस्फेरिक कंडीशन में प्रेजेंट किसी अदर एलिमेंट के साथ, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया या फिर कोई अदर वाटर मॉलिक्यूल हो गया, उसके साथ ये क्या कर लेते हैं? एक रिएक्शन शो कर लेते हैं जिसकी वजह से ये नेचर पे कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन की ही बात करूँ तो ऑक्सीजन में अगर सिंपल ओ के फॉर्म पे ये नेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये O2 के फॉर्म पे ये एग्जिस्ट करता है, मतलब कंबाइनिंग फॉर्म में ही ये नेचर में क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो इस वजह से बोला जाता है कि जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली होती है उसमें प्रेजेंट हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म पे? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और कंबाइंड स्टेट में इन अर्थ क्रस्ट हमको उसके ओर या मिनरल्स क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। अब 16th ग्रुप एलिमेंट की सॉरी बात की जाए तो 16th ग्रुप एलिमेंट में देखिए, इन सारे जैसे इसका एटॉमिक नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले भी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 8 हो गया ऑक्सीजन का। अब सल्फर इसमें +8 कर दो तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है? सेलेनियम। सेलेनियम पे आप क्या करोगे? फिर से प्लस आप क्या करोगे? 18 करोगे, तो 18 करने पर क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। फिर 34 पे आप क्या ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे, तो फिर आपका क्या आ जाएगा? टेल्यूरियम आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन आपके पास कितना आएगा? 52 आएगा। और फिर 52 पे आप 32 ऐड करोगे, तो 32 ऐड करने पर आपका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, तो किसका? पोलोनियम का। तो इस तरीके से अगर हमको एटॉमिक नंबर पता नहीं होता जो बोरबरी स्कीम में हमको वैल्यू बताई गई थी कि जो सेकंड सेल होता है उस पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो फर्स्ट सेल होता है आपका उस पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? उस पे टोटल आपके उस पे टोटल आपके थर्ड पे 18 होते हैं, फिर फिफ्थ पे 32 होते हैं। उन सारे नंबर को यहाँ पे क्या करते जाते हैं? एडिशन करते जाते हैं। किस रेंज में पूछा जाएगा? तो 2, 8, 18, 18 एंड 32। इस फॉर्म पे अगर हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर जो भी आता है उसको ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाता है? आगे वाले एटम का एटॉमिक नंबर हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन फैमिली में किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद ना आ रहा हो तो इस रूल को फॉलो करते हुए आप उसका एटॉमिक नंबर भी बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो क्या आएगा? 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 हमारा क्या हो गया? 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया। अब देखो इसमें लास्ट सेल कौन सा है, तो ये जो 2 वाले हैं, 2s2 और 2p4, ये मेरे लास्ट सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 2s2 और 2p4 आ रहा है तो इसके बाद का एलिमेंट क्या हो जाएगा? इसके बाद का सल्फर होगा, देन सेलेनियम होगा, उसके बाद टेल्यूरियम और देन क्या आ जाएगा आपका? पोलोनियम। तो ये क्या हो जाएगा?
एक पीरियड अप, ये सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर थ्री लगा दो और ये हो जाएगा आपका 3s2 और ये क्या हो जाएगा 3p4। वैसे ही सेलेनियम के लिए आप क्या लगाओगे 4s2 और 4p क्या लगाओगे 4 लगाओगे। टेल्यूरियम के लिए क्या कर दोगे 5s2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5p4। और जो पोलोनियम है आपका इस पे आप क्या करोगे 6s2 और 6p4 आप ये करोगे, ठीक है, तो आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। मतलब ये सेकंड वाले का हो गया, फिर थर्ड वाले का, उसके बाद आपके फोर्थ वाले का, फिर फिफ्थ वाले का और उसके बाद सिक्स वाले का आपका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो जब भी आप कोई मॉलिक्यूल बनाओगे ना आपको लास्ट सेल का ही जरूरत होगा, तो लास्ट सेल का आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पता चल जाएगा। मतलब उस ग्रुप में प्रेजेंट पहले वाले एलिमेंट का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे उसमें एक एक पीरियड आप क्या करते जाओगे अप करते जाओगे, और जैसे जैसे आप एक एक पीरियड अप करते जाओगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट का। इसमें इसी चीज को देखिए जो अंडरलाइन किया गया है उसी का रिप्रेजेंटेशन इस बुक पे किया गया है कि ये आपका हो जाता है 2s2 और ये 3s2 वाला, देन 4s2, फिर 5s2 और उसके बाद 6s2 वाला। मतलब ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको 15th ग्रुप एलिमेंट का, तो आसानी से आप जो अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन अदर एलिमेंट के बारे में भी क्या कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है जिसमें हम ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल की बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है वो किस स्टेट में मिलता है, जो सल्फर है वो किस स्टेट में मिलता है, उसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली के किस किस फॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। तो ऑक्यूरेंस की बात की जाए तो ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीजन फैमिली का क्या होता है सबसे पहला मेंबर होता है, और हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो क्या है ऑक्सीजन ही है, ठीक है। हमारे अर्थ का लगभग 46.6 जितना भी मास है उसमें से 46.6% जो मास है वो किससे बना हुआ है ऑक्सीजन से बना हुआ है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ या हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट बोला जाएगा, तो टोटल 89% ऑक्सीजन इसमें फाउंड होता है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल फाइबर से जो भी हमको कोई भी सब्सटेंस मिलता है तो उस सब्सटेंस में भी 5% से लेकर 50-70% ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है हमारा एटमॉस्फेरिक लेवल, वहां पर आप सभी जानते हैं लगभग 20-21% हमारा क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा क्वांटिटी में ही है, हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में जो अवेलेबल होता है वो आपका क्या होता है ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन के अर्थ का मेडअप ऑफ देखा जाए कि इसका मास जो देखा जाए तो उसमें 46.6% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद सल्फर की बात की जाए, दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ अ 16th ग्रुप। तो इसमें अगर देखें तो जो सल्फर है अर्थ क्रस्ट से फाउंड होता है, कभी कभी ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, और कंबाइंड स्टेट में अगर इसका परसेंट देखा जाए तो 0.03 से 0.1% है, मतलब काफी लेस क्वांटिटी में ये हमको मिल रहा है। जो कंबाइंड स्टेट होता है सल्फर का उसको सल्फाइड बोला जाता है या फिर सल्फेट बोला जाता है। जो सल्फेट होता है आपका देयर फॉर्मूला इज SO4 2 negative, और जो आपका सल्फाइड होता है जिसको S2 negative के फॉर्म पे क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है। तो इन अ कंबाइंड स्टेट जो सल्फर है इन दोनों स्टेट में हमको अवेलेबल होता है। सल्फाइड की बात की जाए तो सल्फाइड मिनरल हमारे कौन कौन से हैं, FeS2 यहाँ पे बताया गया है जिसको आयरन पाइराइट बोला जाता है। इसके अलावा जिंक ब्लैंडे जिंक सल्फाइड जिसका नाम है ZnS फॉर्मूला गैलन का, लेड सल्फाइड और कॉपर पाइराइट CuFeS2 लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं सल्फाइड के मिनरल हो जाते हैं।
ये दोनों ही सल्फर के कंबाइंड स्टेट, मतलब सल्फर दो स्टेट में मिल रहा है, एक सल्फेट के फॉर्म पे एक सल्फाइड के फॉर्म पे। तो सल्फाइड के फॉर्म पे उसका कुछ और होगा और सल्फेट के फॉर्म पे उसका कुछ और होगा। तो सल्फाइड के फॉर्म पे उसका जो और होता है उसका नाम यहाँ पे बताया गया है, और सल्फेट के फॉर्म पे जो मिनरल या और अवेलेबल होता है अर्थ क्रस्ट से उसका नाम बताया गया है। ठीक है, कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि सल्फाइड के जो और होते हैं उनका नाम बताइए, तो एक आपका आयरन पायराइट हो जाएगा और एक आपका गैलेना या फिर जिंक ब्लेंडे आप ले सकते हैं। ये हो गया सेकेंड एलिमेंट की बात। फिर थर्ड एलिमेंट हमारा क्या होता है, सेलेनियम होता है। सेलेनियम का ये रेयर एलिमेंट होता है, मतलब अर्थ क्रस्ट में काफी कम अमाउंट में मिलता है, लगभग 10^-8% इसमें बोला गया है, मतलब जो काफी कम अमाउंट में है। और सेलेनियम कंबाइंड स्टेट में हमको नेचर में मिलता है, इसके कंबाइंड स्टेट का नाम क्या है पूछा जाएगा, तो सेलेनाइड इसके कंबाइंड स्टेट का नाम होता है। इसके बाद टेल्यूरियम की बात की जाए तो टेल्यूरियम भी हमको अर्थ क्रस्ट से अवेलेबल होता है, और ये दोनों काफी लेस क्वांटिटी में ही नेचर पे हमको अवेलेबल होते हैं। इस वजह से इन एलिमेंट को क्या बोला जाता है, रेयर एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और इसका भी परसेंटेज अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो 10^-8% होता है। टेल्यूरियम जनरली हमारे नेचर पे कंबाइंड स्टेट में ही फाइंड होता है, और इसके कंबाइंड स्टेट का नाम क्या है, टेल्यूराइड है। सेलेनियम के कंबाइंड स्टेट का नाम सेलेनाइड और टेल्यूरियम के कंबाइंड स्टेट का नाम टेल्यूराइड है। ऐसे ही पोलोनियम की बात की जाए तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो जो अल्फा बीटा और गामा जैसे हार्मफुल रेडिएशंस को एमिट करने की क्या लगता है, एबिलिटी रखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलोनियम बोलते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे डिके प्रोडक्ट होते हैं जैसे थोरियम और यूरेनियम, उस फॉर्म पे ये हमको एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है जो पोलोनियम है, क्योंकि थोरियम और यूरेनियम ये दोनों भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप जानते होंगे इस बात को। और अर्थ क्रस्ट में इसका फाउंड देखा जाए तो बहुत ही कम ये अर्थ क्रस्ट में मिलता है, लगभग 10^-14% ये हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो हमारा सिक्सटींथ ग्रुप एलिमेंट होता है, हमने इसका एक्यूरेंस देख लिया कि पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है। हमने देखा कि सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, कुछ के मिनरल नेचर में एक्सेस क्वांटिटी में मिलते हैं तो कुछ के काफी कम परसेंटेज में नेचर में हमको क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। और सारे के सारे हमने देखे कौन से स्टेट में हमको अवेलेबल होते हैं, कंबाइंड स्टेट में हमको अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट होता है ये टू टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। एक आपका हो जाता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आपका हो जाता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इतने सारे एलिमेंट में कौन नेगेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कौन पॉजिटिव स्टेट में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जनरली देखिए जो हमारा पोलोनियम होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है, एक्सेप्ट पोलोनियम, मतलब पोलोनियम को छोड़ दीजिए तो बाकी के जो हमारे एलिमेंट हो जाएंगे कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये सभी के सभी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। -2 कैसे, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, और अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसपे कौन सा चार्ज आ जाएगा, -4 आ जाएगा। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो सबसे ज्यादा साइज का होगा पोलोनियम का होगा। पोलोनियम का साइज बड़ा होने की वजह से वो न्यूक्लियस से उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो उसके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही लूजली हेल्ड होंगे, तो किसी अदर इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर कैसे ले सकता है, जिस वजह से ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। लेकिन अदर एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है 16th ग्रुप एलिमेंट का जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। इसका एग्जांपल देखोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कब शो करता है ऑक्सीजन, जब उसका कंपाउंड कौन सा बनता है, OF2 मॉलिक्यूल,
ठीक है, डाइफ्लोरो ऑक्सीजन आप ये बोल सकते हो। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीजन का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला जाए तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था कि मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लोरिन है। फ्लोरिन पे कितने चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1। यहाँ पे कितने फ्लोरिन है, दो फ्लोरिन है। ठीक है, तो 2 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 इज इक्वल क्या कर दो, 0 कर दो। अब ये x इज इक्वल कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। मतलब इस ऑक्सीफ्लोराइड के साथ जो हमारा ऑक्सीजन है वो कौन से किसको शो कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। और जनरली ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, -2 में होता है, आप सभी इस बात को जानते हो। तो इन अ 16th ग्रुप एलिमेंट, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो +2 और -2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा सल्फर हो गया, सेलेनियम और टेलिडियम हो गया, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का एबिलिटी रख रहा है, जिसकी वजह से ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि पोलोनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, जिसकी वजह से वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता। तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है किसका, 16th ग्रुप एलिमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है, वो आपका है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, हम किस बेस पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए किसी एलिमेंट का बताते हैं, कि जब हम उस एलिमेंट का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और उसपे जितना भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उस एटम का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो 16th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास कौन सा यहाँ पे बताया गया है, सिर्फ OF2 मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी किसी के साथ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंस होता है। इस बात को याद रखिएगा, डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंस, एब्सेंस होता है। जबकि उसके बाद के जितने एलिमेंट है, जैसे सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की बात की जाए या पोलोनियम की बात की जाए, तो इन सभी के पास जब आप कॉन्फिग्रेशन करोगे तो लार्ज एटॉमिक नंबर होने की वजह से इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एक्साइट कर जाता है। तो वो एक्साइट कब कर सकता है, एक्साइट वो तभी कर सकता है जब उसके पास क्या प्रेजेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, मतलब खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन के पास तो खाली ऑर्बिटल होता ही नहीं है, दैट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं कर सकता, एक्साइट नहीं कर सकता, और एक्साइट नहीं करेगा तो वो उस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बाकी के जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे सल्फर की बात की जाए, आपको मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं तो देखो सल्फर का कैसे होता है। जनरली हमारा जो सल्फर है इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p6 आएगा, देन आपका 3s2 हो जाएगा, और 3p आपका क्या हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3s2 और 3p4 हो गया। इससे आगे जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3d ऑर्बिटल आ जाएगा, ये सल्फर का है। ऐसे ही आपका टेल्यूरियम का भी आएगा, सेलेनियम का भी आएगा, और साथ में आपका जो पोलोनियम है उसका भी आएगा। मतलब d ऑर्बिटल का कॉन्फिग्रेशन इसके आगे ही आएगा। जबकि ऑक्सीजन का करूंगी तो ऑक्सीजन का देखो एटोमिक नंबर है 8, कॉन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, और 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2p के बाद क्या आएगा, 3s वाला आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, 3p वाला आएगा। मतलब यहाँ पर 3d ऑर्बिटल आ रहा है क्या, नहीं, 3d से पहले क्या आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन तो वहां जाएंगे ना, उसके बाद d की बारी आएगी। तो इस ऑक्सीजन पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है सल्फर के बाद के, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है,
ठीक है, जिस वजह से ये +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब कैसे शो करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। देखो, इन अ ग्राउंड स्टेट मतलब उनके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके कहाँ पे आ गया, डी पे आ गया, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं। और सेकेंड एक्साइटेशन में यहाँ पे जो लोन पेयर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके फिर से डी ऑर्बिटल के पास चला गया, तो ये मेरा सेकेंड एक्साइटेशन हो गया। तो अब मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ग्राउंड स्टेट टर्म पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब एक्साइटेशन कराते हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जब डबल एक्साइटेशन कराते हैं तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो नहीं सकते, उस हिसाब से जो हमारा ऑक्सीजन ग्रुप के फैमिली होते हैं सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली में प्रेजेंट जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो -2 और +2 को शो करता है, और +2 भी को एक ही मॉलिक्यूल के साथ शो करता है, और वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, OF2 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो बताया जा रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई है एलिमेंट्स की। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, सेलेनियम है और जो टेल्यूरियम है, वो सारे किस स्टेट में नेचर पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, और उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग जो है वो फाउंड होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।